हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर इमली देने वाली है बेटे को जन्म। जी हां दोस्तों, देखने को मिलेगा कहानी में बहुत ही दिलचस्प किस्सा, जो कि कहानी को इंटरेस्टिंग मोड पर ले आया है। 9 महीने बाद आर्यन की ही बाहों में इमली फिर से उठी है, उसे फिर से होश आया है। लेकिन आर्यन फिर से गलतफहमी का शिकार हो चुका है कि पता नहीं इमली की जिंदगी में कोई और तो नहीं है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि 9 महीने बाद इमली उठी है, उसके बाद आर्यन को बहुत बड़ी अपनी गलती का एहसास होता है। और उसी के साथ उसे ये भी पता चलेगा कि ये बच्चा किसी और का नहीं, उसी का है। और इसी के बाद कहानी में आएगा इंटरेस्टिंग मोड, देखने को मिलेगा आगे इमली का कभी भी डिलीवरी हो सकती है। और वे जी और यहाँ पर मिट्टी दोनों ही आर्यन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो किसी भी कीमत पर अभी इमली को छोड़कर ना जाए, क्योंकि ये बच्चा उसी का है। और मिट्टी बहुत बड़ा राज खोलते नजर आएगी कि वो तो उसी दिन से बेहोश है जिस दिन से चीनी को ढूंढने निकली थी। और इसी के बाद आर्यन के होश उड़ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर इमली की प्रेगनेंसी का टाइम आ जाता है, और डिलीवरी के बाद देखने को मिलता है कि यहाँ पर डॉक्टर बहुत बड़ा राज खोलता है, और वो ये कि इमली को नहीं बचाया जा सका। और यहाँ पर इमली लास्ट मोमेंट पर आर्यन को इस बच्ची को सौंप कर इस दुनिया को अलविदा कह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर इमली अपनी बच्ची को जन्म देने वाली है, और एक बेटे को भी और जुड़वा बच्चों को जन्म होगा। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मालिनी, जो कि इमली को किसी भी तरह से मारना चाहती थी, लेकिन इस डिलीवरी की वजह से इमली का अंत होगा। तो दूसरी तरफ आर्यन इमली को खोने की वजह से हमेशा के लिए, यानी कि उसको भी सदमा लगेगा, और इमली की यादों में ही अपनी आँख को खो देगा, और 15 साल का लीप दिखाया जाएगा जहाँ पर इमली और आर्यन ने अलविदा कह दिया है। लेकिन चीनी पूरे कारोबार को आर्यन जाते जाते चीनी को सौंप जाता है, और यही देखने को मिलेगा यहाँ पर किस तरह से आर्यन और इमली का अंत हो जाता है। और चीनी इमली और आर्यन के बच्चों की एक बड़ी बहन की तरह यहाँ पर ध्यान रखते हैं नजर आएगी। एक बहुत ही बड़े कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली है, यानी कि यहाँ पर अब संबुल टॉकी लौट कर जरूर आएगी, वो भी चीनी की छोटी सिस्टर बन के। तो देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर काफी कुछ दिलचस्प हिस्सा, जहाँ पर अब कहानी काफी इंटरेस्टिंग मोड ले चुकी होती है।